हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइनएप्पल को आप घर पे कैसे इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक हमारा एक पाइनएप्पल है, जो इसके ये ऊपर का पार्ट आप देख रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन जो पार्ट है इसे क्राउन कहते हैं। तो आइए इसे हम पहले इसे अलग कर लेते हैं फ्रूट से। तो इसे हमें अलग करने के लिए बस हल्का सा ट्विस्ट करना है। ये देखिए, हल्का सा इसे मैं ट्विस्ट करूँगा, ये देखिए, और ये आराम से आ जाएगा। ये देखिए, तो ये देखिए जो हमने क्राउन को इजीली रिमूव कर लिया है फ्रूट से, आप इस फ्रूट को यूज़ कर सकते हैं। हमें सिर्फ इस क्राउन की ज़रूरत है, तो आइए इसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले जो ये नीचे की बॉटम लीव्स हैं, इसे हम अलग कर लेंगे इस क्राउन से, थोड़ा साफ़ कर लेंगे नीचे से। ये देखिए, एक एक करके नीचे नीचे वाली इसे हटाइए तो ईज़िली रिमूव हो जाएगी। तो ये देखिए, हमने जो बॉटम की लीव्स थी सब रिमूव कर दी हैं, ये देखिए। तो अब हम इजीली इसमें वर्क कर सकते हैं अपना। तो हमें क्या करना है कि अब थोड़े दिन, एक या दो दिन के लिए इसे ऐसे ही रख देना है। तो ये जो कट पार्ट है ये ड्राई हो जाएगा, तो तब इसे हम पानी में डाल देंगे। अगर आप इसे अभी डायरेक्ट पानी में डालते हैं तो यहाँ से ये रॉट होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर आप एक या दो दिन इसे कैलस होने देंगे, सूखने देंगे, यहाँ पर अच्छे से सूख जाएगा, तो उसमें ये ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दो क्राउन जो पहले से प्रिपेयर करके रखे हैं, इन्हें मैंने दो दिन पहले ड्राई में रख दिया था। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये अच्छे से यहाँ से पूरे इसमें ड्राई हो गया, कैलस हो गया, तो अब ये ग्रो करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, दो मैंने ड्राई में रख दिए थे, ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब इसे हम ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। आपको एक ग्लास लेना है, मैंने ये कांच का ग्लास लिया है, आप प्लास्टिक का या मेटल का ग्लास भी ले सकते हैं। इसमें आपको पानी से इसे हल्का सा हाफ फिल कर लेना है, ये देखिए। तो ये देखिए, हमने ग्लास को वाटर से फिल कर लिया है। अब अपने क्राउन को आप लीजिए और ये जो बॉटम पार्ट है ये ध्यान रखिए कि यही पानी में भीगना चाहिए, ये डिप होना चाहिए, ये देखिए। ये देखिए, ज़्यादा ऊपर तक वाटर नहीं भरना है, नहीं तो फिर रॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस नीचे का जो पार्ट है उसे ही पानी में हमें भिगोना है, ये देखिए। आपको इस ग्लास को एक ऐसी जगह रखना है जहाँ पे पार्शियल सनलाइट आती हो, मतलब डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना आए, वहाँ पे हल्की हल्की रोशनी वहाँ पे हो, ऐसी जगह आपको रखना है। बिल्कुल भी शेड या बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं रखना है इसे। और 5 से 6 डेज़ के बाद आपका ये जो क्राउन है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखिए। ये दो क्राउन मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, तो ये देखिए, इसमें जो आपको बॉटम में दिख रही होगी रूट्स, इसमें डेवलप होने लगी हैं। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए रूट्स आपको दिख रही होंगी वाइट वाइट, ये नई रूट्स इसमें बन रही हैं। अभी इन्हें मुझे वाटर में रखे हुए 5 से 6 डेज ही हुए हैं, तो देखिए धीरे धीरे इनमें रूट्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए, ऊपर से हेल्दी है, काफ़ी अच्छा क्राउन हमारा ग्रो हो रहा है, ये देखिए। आपको क्या देखना है कि हर 5 से 6 दिन बाद आप इस ग्लास का वाटर चेंज कर दें तो अच्छा होगा, नहीं तो चांसेस हो जाएंगे कि आपका ये जो क्राउन है वो रॉट होना स्टार्ट हो जाए। तो हम 5 से 6 दिन बाद क्या करेंगे, क्राउन को अलग करेंगे। जो ये वाटर है आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, और जो हमारा नॉर्मल टैप वाटर होता है उससे दोबारा इसमें हम वाटर फिल कर देंगे। देखिए, फिल करके इसमें हम क्राउन को दोबारा रख देंगे, ये देखिए। आपको ऐसे ही हर 5 से 6 दिन बाद वाटर चेंज करना है, जब तक आपके क्राउन में अच्छे से रूट्स ना आ जाएं। एक बार ही अच्छे से रूट्स आ जाएंगी तो इसे हम सॉइल में लगाएंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो पाइनएप्पल के क्राउन थे उनमें अच्छे से रूट्स आ गई हैं। देखिए काफ़ी अच्छी रूट्स आ गई हैं इनमें। तो अब ये रेडी हैं, इन्हें हम सॉइल में इजीली लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये एक 7 से 6 इंच का पॉट ले लिया है, क्ले पॉट है ये। आप उसमें ये देख लें कि बॉटम में ड्रेनेज होल होना चाहिए। ड्रेनेज होल को एक छोटे पत्थर से हम कवर कर देंगे, जिससे कि जो हमारी सॉइल है वो वाटर के साथ बाहर ना निकल जाए, सिर्फ जो एक्सेस वाटर है वही बाहर निकल पाए। अब इस पॉट को हम सॉइल से फिल कर लेंगे। तो पॉटिंग मिक्स के लिए मैंने इसमें 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल मिलाई है, जो कि गार्डन की सॉइल होती है। 30% हमने इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिलाया है। मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाई है, आप डी कंपोस्ट, काउडंग पाउडर फॉर्म में वो करके वो भी मिला सकते हैं। 20% मैंने इसमें फाइन सैंड मिलाई है, क्योंकि पाइनएप्पल को सैंडी सॉइल ज़्यादा पसंद होती है, जिसमें अच्छे से वाटर ड्रेन हो जाए। तो मैंने 20% इसमें गंगा नदी की जो रेत होती है, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, वो भी मिलाई है। सॉइल को अच्छे से प्रेस कर लेंगे, जिससे सारे हमारे जो एयर गैप्स हैं सॉइल में वो निकल जाएं। सॉइल के बीचों बीच हम एक होल करेंगे छोटा सा। एक पाइनएप्पल का क्राउन लेंगे, उसे इसमें जो सॉइल है उसे आराम से इसमें रख देंगे और सॉइल से कवर कर देंगे। अच्छे से सॉइल को दबा देना है, जो हमारा पाइनएप्पल क्राउन है वो लूज़ नहीं होना चाहिए। अच्छे से इसमें आप लगा दें। अच्छे से सॉइल में लगाने के बाद हम इसमें वाटर दे देंगे। देखिए इसे करीब करीब 3 से 4 दिन के लिए एक पार्शियल शेड में रखेंगे, फिर उसके बाद इसे हम डायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट कर देंगे। और वाटर हमें तभी देना है जब ये सॉइल हल्की हल्की ड्राई होने लगे। आपको टॉप लेयर जो होती है सॉइल की वो ड्राई हो जाए, तब इसमें आपको वाटर ऐड कर देना है। और कुछ ही महीनों के बाद हमारा जो प्लांट है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैंने करीब 5-6 महीने पहले लगाया था, तो ये देखिए इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। मैंने छोटे से ही पॉट में लगाया था, तो ये देखिए छोटे से पॉट में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है इसकी। ये देखिए अब मैं इसे ग्राउंड में शिफ्ट कर दूंगा, तो इसमें जल्दी पाइनएप्पल भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस छोटे से पॉट में तो पाइनएप्पल आना मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है इसमें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। होप करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भी अपने घर में ये मेथड जो मैंने आपको बताया है इसे ट्राई कीजिए। बहुत इजी है पाइनएप्पल को ग्रो करना, पाइनएप्पल के क्राउन से इजीली ग्रो हो जाता है। तो आज ही आप भी ट्राई कीजिए।